हॉर्सू शेप किडनी के नोड्स की बात करते हैं यार। किडनी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सर्जरी में। सबसे पहले तो हॉर्सू शेप किडनी क्या है, यहाँ पे हमारे पास फ्यूजन देखने को मिलता है लोअर पोल है ना, टू फॉर्म व्हाट स्थमस। सपोज करो ये किडनी है ना, ये हमारे पास अगर दोनों किडनी हो गए यहाँ पे, इसके जो लोअर पोल है वो यहाँ पे फ्यूज हो जाते हैं तो एक हॉर्सू शेप बन जाता है। सो इट इज दी लोअर पोल फ्यूज टू फॉर्म स्थमस। एंड यहाँ पे इसका जो एसेंट है वो कौन प्रिवेंट करता है, जो इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है L3 L4 पे, वो इसको प्रिवेंट कर देता है। सो एसेंट प्रिवेंटेड बाय फ्यूजन जो है यहाँ तक होता है, उसके ऊपर फ्यूजन क्यों होता है, बिकॉज इट इज प्रिवेंटेड बाय द इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एट द लेवल ऑफ L3 एंड L4। ओके, एंड जो ये हॉर्सू शेप किडनी है वो किस में देखने को मिलता है, इट इज़ एसोसिएटेड विद टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, तो ये हो सकता है कि हॉर्सू शेप किडनी है तो उसको टर्नर सिंड्रोम हो। एंड जिनमें स्पाइना बायफिडा होता है उसमें भी ये हमारे पास हॉर्सू शेप किडनी देखने को मिलता है। एंड इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हॉर्सू शेप किडनी वाला जो पेशेंट होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है यार, है ना। यहाँ पे हमारे पास लंप देखने को मिलता है, डल पेन देखने को मिलेगा। ओके, इंक्रीज रिस्क ऑफ व्हाट, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने को मिलता है। एंड जो पेशेंट है इट इज़ प्रोन टू हाइड्रोनेफ्रोसिस, दैट इज द कलेक्शन ऑफ है ना एसेप्टिक डायलेटेशन ऑफ द रीनल पेल्विस, है ना, जिनमें हमारे पास ये है अगर हॉर्सू शेप किडनी। इनमें हमारे पास रोस सिंग साइन देखने को मिलता है, रोप सिंग साइन। रोप सिंग साइन मतलब हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक, जो नेक है हाइपर एक्सटेंशन जब होगा जो नेक ऑफ व्हाट किडनी, सो इससे क्या होगा, स्ट्रेचिंग ऑफ कैप्सूल होता है। स्ट्रेचिंग ऑफ कैप्सूल की वजह से हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये क्लिनिकल फीचर्स हो गए यार हॉर्सू शेप किडनी की। नाउ डायग्नोसिस कैसे करेंगे हॉर्सू शेप किडनी का, तो मेन है हमारे पास USG या फिर इंट्राविनस यूरोग्राम करा सकते हैं। एंड इंट्राविनस यूरोग्राम का अलग से एक नोट्स भी देखेंगे। सो इंट्राविनस यूरोग्राम में हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, फ्लावर वास अपेरेंस। है ना, एंड हमारे पास जो लोअर कैलेक्स है वो डायलेट हो जाता है मिडिली, तो ये हमारे पास कैसे देखने को मिलता है, फ्लावर वास अपेरेंस के फॉर्म में। इज डायरेक्टेड मीडियली। सो ट्रीटमेंट क्या होगा, जनरली अगर एसिम्प्टोमेटिक है पेशेंट तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करते यार, है ना। अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया तो पाइलोप्लास्टी कर देते हैं, है ना। एंड एक चीज़ हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारे पास स्थमस कभी भी कट नहीं करेंगे, नेवर कट स्थमस। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट हो गया, डायग्नोसिस हो गया, क्लिनिकल फीचर्स हो गया ऑफ हॉर्सू शेप किडनी।